इसलिए चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिलकर के ही रहती है। यानी मैं फिर दोहरा रहा हूं, चंद्रयान 2 के पदचिन्ह जहां है वो स्थान आज से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा, और जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। साथियों, आज भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ है। ये सफलता तब और अधिक बड़ी हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि भारत ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की थी। एक समय था जब भारत के पास जरूरी तकनीक नहीं थी, सहयोग भी नहीं था। हमारी गिनती थर्ड वर्ल्ड यानी थर्ड रो में खड़े देशों में होती थी। थर्ड वर्ल्ड थर्ड रो में खड़े हुए लोगों में होती थी। वहां से निकलकर आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रो में खड़े देशों में हो रही है। यानी थर्ड रो से फर्स्ट रो तक इस यात्रा में इसरो इसरो जैसी संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपने आज मेक इन इंडिया को चांद तक पहुंचा दिया है। मेरे परिवारजनों, मैं आज आपके बीच आकर विशेष तौर पर देशवासियों को आपकी मेहनत के बारे में बताना चाहता हूं। जो मैं बातें बता रहा हूं वो आपके लिए नई नहीं है, लेकिन आपने जो किया है, जो साधना की है, वो देशवासियों को भी पता होना चाहिए। भारत के दक्षिण हिस्से से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक चंद्रयान की ये यात्रा आसान नहीं थी। मून लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने
इसरो की रिसर्च फैसिलिटी में आर्टिफिशियल मून तक बना डाला। इस आर्टिफिशियल मून पर विक्रम लैंडर को अलग अलग तरीके से सरफेस पर उतारकर उसका टेस्ट किया गया था। अब इतने सारे एग्जाम देकर हमारा मून लैंडर वहां गया है तो उसे सक्सेस मिलनी ही मिलनी थी।